Since time immemorial, sun has been the source of light, and with his light, all of us, our days start. Therefore, I would humbly request Sadhguru Swami Dev Prakash Ji Maharaj to kindly light the lamp and initiate the ceremony, please. Flowers have always been known as a symbol of love and respect. May I please request to call upon Mr. Janki Ram Chandani to present a garland of flowers to our Sadhguru Swami Dev Prakash Ji Maharaj. And now I'd like to invite Mr. Ram Bakshani to please come up and share with us
some few words of wisdom. He'd also like to share with us a little about the life sketch of Sadhguru Swami Dev Prakash Ji Maharaj. Please, for Mr. Rambakshan. Thank you, Dimple. Satnam Sakhi. उन सां गॾु जय श्री कृष्ण। भाई और बहनों, आज हमारे बीच एक ऐसी महान आत्मा बैठी है जिनके एक एक लफ्ज में इतनी सादगी है, इतना प्यार है कि हम सब हमेशा आनंद में आ जाते हैं और मगन होकर उन्हें सुनते हैं और सुनने को फिर से दिल चाहता है। यूं तो हम संतों को सुनते हैं और सुनते ही रहते हैं। हमेशा जैसे कहा गया है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत जरूरी है। ऑपरेशन करने के बाद ये जरूरी हो जाता है कि उसकी संभाल की जाए। ऐसे ही जब संत हमें सुनाते हैं तो वो समझने के लिए फॉलो अप बहुत जरूरी रहता है और वो फॉलो अप के लिए हम दुबई वाले बड़े खुश नसीब है कि महान आत्मा स्वामी देव प्रकाश साल में कम एक दफा ज्ञान देने के लिए आते ही रहते हैं। हम उनके बड़े आभारी है। सतगुरु स्वामी देव प्रकाश जी 1938 में जन्मे। भगवान ने शायद 1 जनवरी नए साल के दिन तोहफे में दिया, इससे बड़ा तोहफा दुनिया के लिए हो ही नहीं सकता। स्वामी जी का जन्म हैदर चांडिया लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में हुआ। हुकूमत राय इनके पिताजी का नाम था, तुलसी बाई इनके माताजी का नाम था और ये पांचवें पुत्र थे। इनका नाम था सनमुखलाल। इनके पिताजी हुकूमत राय जी भी बड़े भगवान के मानने वाले थे और हर सुबह में श्रीमन नारायण नारायण का जाप करके पूरी दुनिया को जगाते थे, पूरे शहर को जगाते थे। उसके बाद तो देश का बंटवारा हो गया, सब भारत वासियों को अपना अपना प्रांत मिला लेकिन सिंधियों को शरणार्थीपन मिला, वो भी उनके नसीब में था। और मातृभूमि को छोड़कर वो पितृभूमि में आ गए और पूरे भारत में छा गए। सनमुखलाल जी भी अपने परिवार के साथ हैदराबाद से रेलगाड़ी में मारवाड़ पहुंचे। पहले दुलिया गए, फिर आगरा गए और 1949 में उल्लासनगर आए। वहां स्कूल में जाना शुरू किया लेकिन किताबों में उनकी रुचि नहीं थी। उनकी रुचि देववाणी संस्कृत भाषा में थी। वो वक्त था जब सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश भी उल्लासनगर पहुंचे और सिंधु नगर 5 में स्वामी टेवराम प्रेम प्रकाश आश्रम की स्थापना की। सनमुखलाल जी वहां कभी कभी जाया करते थे। 1953 में सनमुखलाल जी ने हमेशा के लिए सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी से जुड़ गए और 1954 में एक साल के बाद सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज ने बालक सनमुखलाल जी को संस्कृत भाषा का अभ्यास करने के लिए काशी भेजा। ये बताता है कि कितनी दिल थी सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश की सनमुखलाल जी के साथ। और ब्रह्मचारी सनमुखलाल जी 10 वर्ष काशी में रहकर और संस्कृत का गहन अध्ययन करके बड़ी बड़ी उपाधियां लेके स्वामी टेवराम प्रेम प्रकाश आश्रम सिंधु नगर लौटे। इस हिसाब से स्वामी देव प्रकाश जी PhD है लेकिन अपने को डॉक्टर कहलाते नहीं है।
संस्कृत आचार्य जो पीएचडी के हाईएस्ट डिग्री। सन 1978 में सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश ने सन्मुखलाल जी को देख यानी दीक्षा दी और सन्मुखलाल जी देव प्रकाश बन गए। इस तरह स्वामी देव प्रकाश सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश के साथ जुड़ गए और 1992 में जब सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश ने महासमाधि ली तो स्वामी देव प्रकाश जी को स्वामी शांति प्रकाश आश्रम ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया गया। बस उसके बाद तो परम पूज्य स्वामी देव प्रकाश जी दुनिया के कोने कोने में जाकर नाम जपते हैं, नाम जपाते हैं और प्रेम प्रकाश मंडल का झंडा झुलाते हैं। मुख में राम, हाथ में काम, चलते फिरते बोलो राधे श्याम। थैंक यू सो मच मिस्टर राम लक्षानी फॉर एनलाइटनिंग अस विद सदगुरु स्वामी देव प्रकाश जी महाराज लाइफ। We, the premies, the devotees living in Dubai, are indeed very fortunate because we have a lot of spiritual doubts, a lot of myths in our minds that we always wanted to clarify. And what better way to have with us the divine grace of Sadhguru Swami Dev Prakash Ji Maharaj. We're really grateful to him who has obliged us with his benign presence and who would help us in clarifying all our spiritual doubts and myths. We would now initiate with this seminar, so I would request you all that all your spiritual questions, one by one, you know, you'd be given a chance and you all can put forward your question and Sai would answer them. But as code of ethics, please, may I please request you all to switch off your mobiles. Satnam Saki, Sai mera naam liya hua hai, par man jaise lagna chahiye, waise lagta nahi hai. इसका क्या उपाय है वो मुझे बताइए। सिर्फ आपका ही प्रश्न नहीं है, पूरे विश्व का प्रत्येक जिज्ञासु का यह प्रश्न रहता है कि हमें जितना चाहिए वह मन नहीं लगता है। लेकिन यह ऐसा समझना चाहिए कि यह जिज्ञासु की पहचान है कि उसको मालूम होता है कि कम से कम मेरा मन नहीं लगता है। और जो जिज्ञासु नहीं है उसको तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि मन क्या है, क्या लगना चाहिए, क्या नहीं लगना चाहिए। इतना भी यदि ज्ञान होता है, कुछ पछताव होता है उसके लिए मन में कि हमको लगना चाहिए, तो यह भी बहुत अच्छा है। जो जिसका बिल्कुल नहीं इस तरफ ध्यान है उसकी दृष्टि से तो वह आगे ही बढ़ा हुआ है और हिम्मत बांधनी चाहिए और करते रहना चाहिए, करते करते कभी न कभी अवश्य ही सफलता मिल जाएगी। साईं आपके चरणों में कोटि कोटि सादर प्रणाम। साईं कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, इंसान ही मूर्ति बनाता है तो फिर उसकी पूजा कैसे? ऐसा है कि मूर्ति पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति चाहे मिट्टी की हो चाहे किसी धातु की हो, मूर्ति की पूजा नहीं होती। मूर्ति के अंदर जो भगवान बैठा है, हमारी भावना जो है उसके अंदर वो जागृत होती है। वैसे तो हम भी शरीर ये मिट्टी का है, लेकिन इसके अंदर रहने वाली जो चेतन शक्ति है, उस चेतन शक्ति के द्वारा उस चेतन शक्ति के अंदर में भाव जगता है, उसके अंदर प्रकट होता है, उत्तर भी मिल जाता है और प्रसन्नता भी होती है। उस मूर्ति के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसे आप इतिहास पढ़े होंगे, रामचरितमानस के अंदर भी आया है कि मूर्ति हंसती हैं और प्रसन्न होती हैं, रोती भी हैं जब कभी ऐसी घटनाएं
हमारे आपके सामने आती हैं तो उसका तात्पर्य इतना है कि वहां तक ही रुकना नहीं है, आगे भी कुछ चीज है। जैसे लड़की की शादी अभी नहीं हुई है तब तक गुड़ियों से प्यार करेगी, छोटे छोटे खिलौने से प्यार करेगी, जब शादी हो जाएगी तो वह गुड़ियों का उतना महत्व नहीं समझेगी। अपने सच्चे बच्चे जब पैदा हो जाएंगे तो उसके साथ प्यार करेगी और मूर्ति के साथ उसका उतना महत्व नहीं प्रतीत होगा, लेकिन शुरुआत वाली अवस्था में मूर्ति पूजन मेरे ख्याल से आवश्यक है, होना चाहिए। सतनाम साखी साईं, नहीं मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है कि सब संत महात्मा हम लोगों को बोलते हैं कि उठते बैठते सोते जागते साईं का नाम सिमरन करना चाहिए, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बैठते उठते सोते नाम जपना और एक जगह आंख बंद करके ध्यान मुद्रा लगा करके, इन दोनों के क्या फायदे हैं? क्या ये दोनों समान है, तरीके से नाम जपना या मेडिटेशन करके नाम जपना वो ज्यादा लाभदायक है? हम मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा अंदर चले जाते हैं, नाम स्मरण करते हुए दिव्य दर्शन होता है, मन को बहुत बड़ा बल मिलता है, वह भी आवश्यक है। और यदि बाहर भी हम बोलते हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, और बाहर और बातों की अपेक्षा प्रभु का नाम रहेगा तो कम से कम बचाव रहेगा कि और कोई हमारे आपके ऊपर वातावरण का असर न पड़ जाए, इस दृष्टि से बाहर भी आवश्यक है। और अंदर का नाम तो इससे भी और आगे की चीज है कि जैसे अपने नाम को हम बार बार नहीं स्मरण करते हैं, एक बार पक्का हो जाता है कि हमारा नाम अमुक है तो उसको बार बार याद नहीं करना पड़ता है,